आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे एजर्शन में दिया है इन मॉडर्न नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सिस बेस्ट सूटेड फॉर सोलर एनर्जी जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सिस हैं उनमें सबसे अच्छा जो इंडिया के लिए है वो है सोलर एनर्जी तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सिस क्या होते हैं इनको एक और नाम दिया गया है रिन्यबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सिस ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होते ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा सोलर एनर्जी हो गई विंड एनर्जी हो गई वाटर एनर्जी हो गई ये सब जो है एग्जाम्पल हो गए नॉन कन्वेंशनल के इन सब से हम मेनली क्या बनाते हैं हीट He, uh, की मदद से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर एनर्जी है यहाँ पे सोलर एनर्जी ये सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है इसमें हम क्या लेते हैं सन से हम एनर्जी गेन करते हैं सन की जो हीट होती है सन से जो हीट निकलती है जो रेज निकलती है इसको हम ट्रैप कर लेते हैं ट्रैप करने के बाद ये जो हीट एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में ये जो केमिकल एनर्जी होती है ये फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिससे हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी तो इन इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एनर्जी रिसोर्स है वो होता है हमारा सन सन क्यों यूज होता है क्योंकि सन एक ग्लोबल एनर्जी रिसोर्स है सन है एक एनर्जी रिसोर्स जो कि कैसा है ग्लोबल है ग्लोबल का मतलब ये होता है ये किसी वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में नहीं मिलता ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को इक्वली मिलता है इक्वली जो है सनरेज मिलती है तो इसने एक ग्लोबल एनर्जी रिसोर्स है इसने सबसे ज़्यादा केवल इंडिया में ही नहीं पूरे जो वर्ल्ड है उसमें भी अच्छे से सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है उसको कन्वर्ट करके हम बनाते हैं क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी तो यहाँ पर एजर्शन करेक्ट है रीजन यहाँ पे दिया है कि सोलर एनर्जी इज द चीपेस्ट एनर्जी सोर्स विच इज़ ईजी टू इंस्टॉल और सोलर एनर्जी जो होती है ये ईजी टू इंस्टॉल होती है बट ये अभी तक

रीजन भी करेक्ट है एजर्शन भी करेक्ट है बट यहाँ पे क्या है कि जो रीजन है वो एजर्शन का अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन रीजन नहीं दिया हुआ तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द दशन क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर